एंड टूडे वी विल टॉक अबाउट नैरेटोलॉजी नेरेटोलॉजी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो सकता है इसीलिए बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑल द राइटर्स इन दिस वीडियो ओनली इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट नरेटोलॉजी दैट वट इट इज ऑल अबाउट एंड ऑल्सो द राइटर्स एसोसिएटेड विद नेरेटोलॉजी एंड दे आर मेजर टर्म्स एंड बुक्स आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल नरेटोलॉजी आज आपका पूरा हो जाएगा जितना हमें यूजीसी नेट के लिए जरूरत है मैं बार बार कहता हूं कि मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना हमें यूजीसी नेट के लिए जरूरत है कई लोग कहते हैं यार आप आप से ज्यादा राइटर्स के बारे में बताते हो मैं वो इसीलिए बताता हूं क्योंकि हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में ये आएगा कि कौन सी बुक किसने लिखी है किसकी कौन सी टर्म है कौन सा राइटर है जो इस टर्म को प्रोपाउंड किया है तो ये सारी चीजें हमें पूछी जाती है इसीलिए मैं राइटर्स के बारे में ज्यादा बताता हूं कंसेप्ट के बारे में जितना जरूरी होता है उतना ही बताता हूं ठीक है तो नेरेटोलॉजी हम शुरू करेंगे आज ठीक है। नेरेटोलॉजी तो नेरेटोलॉजी जैसा कि आपको वर्ड से ही लग रहा होगा इट्स समथिंग अबाउट नरेशन तो नरेशन आपको पता है आप जो भी बुक पढ़ते हो कोई भी आप नॉवल पढ़ते हो या पोम पढ़ते, पढ़ते हो या फिर कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें नरेशन होती है तो नरेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेरेटिव एंड नरेटिव स्ट्रक्चर और नेरेटिव स्ट्रक्चर में क्या आता है बेसिकली इसमें आता है आपका प्लॉट एंड सेटिंग है ना देखो कभी भी आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसमें प्लॉट तो होगा प्लॉट क्या होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ठीक है जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट सही होगा तभी एक बहुत अच्छा प्लॉट बनता है और उससे एक स्टोरी में बहुत जान आती है मतलब एरिस्टोटल ने तो इसे बिल्कुल एक जान कहा है प्लॉट को ट्रेजेडी का या फिर स्टोरी का है ना सेटिंग भी बहुत जरूरी है तो नेरेटिव स्ट्रक्चर में यही सब आता है आप कैसे नरेट कर रहे हो कौन सी वॉयस है कौन नरेट कर रहा है फ्रेम नरेटिव है या किस तरह का कोई किसी को स्टोरी सुना रहा है प्लॉट क्या क्या है सेटिंग क्या है है सेटिंग दैट इज ऑल अबाउट ठीक तो नरेटोलॉजी के बारे में जो कुछ स्टडी करती है कि किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में बुक में नरेशन कैसी है उसकी जो स्टडी होती है उसे नरेटोलॉजी कहते हैं सिंपल जैसे स्टाइलिस्टिक्स था स्टाइल की स्टडी वैसे नरेटोलॉजी है नरेशन की स्टडी

तो रशियन फॉर्मलिज्म में श, मैं बता देता हूँ कौन से स्कूल में ये आता है मैं आपको देख के बता देता हूँ अभी याद आया ही है तो रो मिल नहीं रहा यार अभी चलो छोड़ो तो तो जो है वो रशियन फॉर्मलिज्म से भी एसोसिएटेड है और नैरेटोलॉजी का तो ये मेन है क्यों क्योंकि ही कॉइंड नाइनटीन इन 1969 इट इज इट्स इज ट्रेसेबल टू एरिस्टोटल वैसे एरिस्टोटल से आई है ये थियरी एज अ थियरी लेकिन मॉडर्न नेरेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो रशियन फॉर्मलिज्म से आई है जैसे कि मॉडर्न जब मैंने स्टाइलिस्टिक्स की आपको लेक्चर दिया है तो उसमें मैंने बताया था कि वो भी रशियन फॉर्मुल से आया लेकिन मॉडर्न स्टाइलिस्टिक्स जो है स्टाइलिस्टिकॉर्मुलस्ट रशियन फॉर्मुलिज्म ठीक है तो रशियन फॉर्मुलिज्म वॉज ऑल अबाउट फॉर्म और नरेशन जो है वो भी फॉर्म की ही बात करती है फॉर्म और नरेशन एक ही बात है कि एक टेक्स्ट का क्या फॉर्म है तो नरेशन से ही पता लगेगा क्या फॉर्म है ना ज अग्रीड टू हैली व्लादिमीर प्रॉप ठीक है व्लादिमीर प्रॉप पे हम से ये ज्यादातर इन्फ्लुएंस हुआ है ज्यादा तरीके से उसकी मोर्फोलॉजी ऑफ फोकटेल बहुत ही फेमस बुक है इसको ये भी याद रख लेना है आपने ठीक है और मिखाइल बाग्न से भी ये इंफ्लुएंस हुआ है जिसकी थियोरीज हेट्रोक्लोसिया डायोलॉजी क्रोनोटॉप ये तीनों चीजें वन टू एंड थ्री ये तीनों चीजें मैं समझा चुका हूं मिखाइल बाग्न के लेक्चर में आप सर्च कर लेना मिखाइल बागतेन दाना मल्टीटास्कर लिख के सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ठीक है कोई भी लेक्चर सर्च करना हो टाइटल आगे दाना मल्टीटास्कर लिख दो अपने आप आ जाएगा आई बटन देने की जरूरत नहीं है ना तो चलो आगे चलते हैं ये थी हमारी नेरिटोलॉजी क्या है किस बारे में है और किसने कॉइन किया है कहां से ये आया है किस चीज से इन्फ्लुएंस हुआ है चलो तो अब हम बात करेंगे ज्वेतान तद्रोव के बारे में ज्वेतान उद्रोव वॉज अ बल्गेरियन फ्रेंच हिस्टोरियन फिलोसफर भी था स्ट्रक्चरिस्ट अब याद रखना एक चीज ध्यान देना कि इसमें स्ट्रक्चरलिस्ट भी पाए जाएंगे क्योंकि नरेशन एक स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि एवरीथिंग हैज अ लार्जर स्ट्रक्चर तो एक बुक का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें नरेशन भी होती है लिटरे डिवाइसेस भी होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग चीजें ठीक है तो वो सब स्ट्रक्चर में ही आएगा तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट भी था और जिस जो कुछ भी है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी बस स्ट्रक्चरलिस्ट है बल्गेरियन फ्रेंच है फिर विद स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी क्रिटिक जराड जेनेट अब ये जो बंदा है इसके साथ मिलके ही एडिटेड द कलेक्शन थी बुक्स की किस पे री थेरी पे जो कि पब्लिश हुई 1987 में ये चीज आपने ध्यान रखनी है ठीक है किसके साथ जराब जेनेट ये भी अभी आगे इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसकी भी कुछ आपको टर्म्स बताऊंगा इसके साथ मिलके इसने एडिट किया कलेक्शन पोइटिक को जो कि एक बुक सीरीज थी लिटरी में पब्लिश हुई याद रखना है ज्वेतान्तोद्रोव ने अब इसकी कुछ बुक्स की बात कर लेते द पोइटिक ऑफ प्रोज याद रख लेना ये सारी बुक्स इंट्रोडक्शन ऑफ पोएटिक्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका वैसे तो इसने 30 35 बुक्स लिखी है अब इसमें से कितनों का नाम याद रखेंगे फिर भी ये वाली जो बुक है ये वाली मिखाइल बाग्न वाली ये जरूर याद रख लेना है आपने मिखाइल मिखाईल द दॉजिकल प्रिंसिपल किसने लिखा है जोतान तो ने क्योंकि राइटर्स है दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कहीं भी पूछा जा सकता है ठीक है तो इतनी हो गई इसकी बुक्स और आपकी कैपेसिटी है याद करने की तो इसकी बुक सर्च कर लेना तीस पैंतीस चालीस बुक्स है अब सबसे पहले अब इसके बाद हम आ रहे हैं इसकी टर्म्स पे द फैंटास्टिक फैंटास्टिक द एंड फैंटास्टिक मार्वलस नाम तो जबरदस्त है ना फैंटास्टिक रियली मार्वलस really टर्म्स तो फैंटास्टिक जो है इसको ये क्या कहता है ये कहता है कि एक चीज होती है फैंटास्टिक फैंटास्टिक बोले तो इमेजिनेशन या फिर इमेजिनरी ठीक है कोई चीज इमेजिनरी है उसे हमने फैंटास्टिक कहा अब ये क्या कहता है कि कई बार हमें लगता है कोई चीज हमें सुपर लगती है समथिंग विच सीम्स अभी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी हुई नहीं है इस बोर्ड पे ना तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी है ना थोड़ा सा आपने साथ देना है मेरा। फैंटास्टिक में क्या होता है कि विच सीम्स सुपर राइट right? जब हमें कुछ ऐसा लगता है कि यार यहां पे कुछ सुबह मान लो आई एम इन लव विद अ गर्ल ठीक है और मुझे उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज दिख रही है जैसे कि एस टी कॉलरेज ने भी बुक लिखी है ना क्रिस्टाबल बुक नहीं पोम लिखी है क्रिस्टाबल तो उसमें भी जो लड़की है वो उसको कोई एक औरत मिलती है रात को वो मतलब बहुत ही मिस्टीरियस सी लगती है तो ऐसे मुझे किसी एक लड़की से प्यार हो गया जिसके जिसपे मुझे हर चीज पे थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं उसके पाव थोड़े से टेढ़े पूरे टेढ़े नहीं थोड़े से टेढ़े है उसकी हाइट ज्यादा है उसकी स्किन बहुत वाइट है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार या तो ये सुपर है या फिर ये कुछ नॉर्मल है मतलब मैं कंफ्यूज हूं विच सीम चुरल वो हो गया हमारा फेंटास्टिक ठीक है जो तो दो दो ने कहा है फिर ये कहता है फैंटास्टिक अनकैनी फेंटास्टिक अनकैनी वो सिचुएशन है जब हमें लगता है कि ये तो हमारा सिर्फ एक इल्यूजन इल्यूजन था ठीक है जो हमें सुपर लग रहा था वो असल में एक इल्यूजन था और यहां पर लॉज ऑफ रियलिटी जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे मतलब कि रियलिटी हमें पता लग जाएगी कि ये तो सिर्फ एक भ्रम था ठीक है इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन और हमें लॉज ऑफ रियलिटी मतलब कि रियलिटी हमारे सामने आ जाएगी किसी ना किसी तर, तरीके से ठीक है फैक्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे रेशनल चीजें हमारे पास आ जाएगी ठीक है उसे उस सिचुएशन ने कहा फैंटास्टिक अनकेनी और फैंटास्टिक मार्वलस क्या है मार्वलस फैंटास्टिक मार्वलस वो सिचुएशन है जब ये हमारा जो इल्यूजन था ये हमारा इल्यूजन था ये सही हो जाता है ठीक है इल्यूजन का मतलब है कि जो जब हमें फैंटास्टिक में लग रहा था कि ये सुपर नेचुरल कुछ है मार्वलस में वो चीज सही साबित हो जाती है कि हाँ वो लड़की एक चुड़ैल थी ठीक है उस सिचुएशन को कहा इसने फैंटास्टिक मार्वलस और इसमें जो है हमारा इल्यूजन जो है इल्यूजन जो हमारा है वो लॉज ऑफ रियलिटी वहां पे कैंसल हो जाते हैं ठीक है जब कोई चीज़ सुपर है तो रियलिटी के लॉज पे कैंसिल हो जाएंगे और जब अनकैनी सिचुएशन होती है वहां हमें पता लग जाएगा कि हमारा सिर्फ इल्यूजन था सिर्फ इल्यूजन था और जो फैंटास्टिक मार्वलस है यहां पे हमें पता लगेगा कि ये हमारा इल्यूजन नहीं बल्कि ये सच में ही कुछ सुपरनेचुरल था ठीक है जहां पे हमारे रियलिटी के लॉज सारे फेल हो जाएंगे ठीक है तो हम कोई भी बुक पढ़ते हैं कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि एसटी कॉलेज का मैंने भी एग्जांपल दिया तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं हमारे फैंटास्टिक मार्वलस का एग्जांपल है क्योंकि उसमें वो सच में ही मिस्टीरियस वुमन होती है और स्टार्टिंग में हमें वो द फैंटास्टिक वाली फीलिंग भी दे रहा है जब हमें लग रहा है कि देर इज समथिंग सुपर एंड एट एंड इट रियली बिकम्स सुपर नेचुरल इट प्रूव इट सेल्फ टू बी सुपर नेचुरल है तो फैंटास्टिक मार्वलस वाली सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो जाती है ठीक है कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग दोबारा से एक बार बताऊं फैंटास्टिक वो इमेजिनरी सिचुएशन है जब हमें लगता है कि कुछ सुपरनेचुरल है फैंटास्टिक अनगनी वो सिचुएशन है जब हमारा भ्रम दूर हो जाता है और ये रियलिटी सामने आ जाती है कि कुछ भी सुपरनेचुरल नेचुरल नहीं है सब कुछ नॉर्मल है फैंटास्टिक मार्बल्स एक ऐसी सिचुएशन है जब हम जब वो जो हमें लग रहा होता है फैंटास्टिक में कि कुछ सुपरनेचुरल है तो वो फैंटास्टिक मार्बल्स में वो चीज सही साबित हो जाती है और लॉज ऑफ रियलिटी जो है वो कैंसिल हो जाते हैं रियलिटी खत्म हो जाती है ठीक है समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें एक दो और राइटर्स के नेम आपने याद रख ये सारे राइटर्स रशियन फॉर्मलिज्म में भी पाए जाएंगे है ना विक्टर शेक्लोस का डी फेमिलराइजेशन जो एक कंसेप्ट है वो भी मैं समझा चुका हूं है ना तो इसकी एक बुक याद रख लेना द राइटर एंड द बुक उटलाइन ऑफ टेक्सटोलॉजी बोरिस तोमेशवस्की विस्की से याद रख लो आप इसको ना। शेकलो विस्की, सारे विस्की पीते थे बोरिसमेस <laughs> वाला आर्ट एस टेक्निक ऐसे लिखा था उसमें को इसने एक्सप्लेन किया तो ये राइटर्स जो है नेरेटोलॉजी में भी आएंगे इस पर भी नाम याद रख लेना है अब जिराट जेनेट की हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं ही वॉज ए फ्रेंच लिटरेरी थियरिस्ट Associated in particular with the structuralist मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरिज्म सेट था पोस्ट्रक्चलिस्ट भी था दोनों भी वीडियोज बनाई मैंने रोला बार्थ एज अट्रक्चलिस्ट एंड रोला बार्स एज अ पोस्ट स्ट्रक्चलिस्ट है ना और क्लोर लेविस्ट्रॉस तो था ही स्ट्रक्चरिस्ट बेसिकली है ना तो इन्हीं के साथ इसको भी हम रखते हैं तो इसके कुछ वर्क्स याद रख लेना ये वाला तो आपने याद रखना ही रखना है नरेटिव डिस्कोर्स एंड एसए इन मेथड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी पेलिमसेस्ट एंड पैराटेक्स ये भी दो इसके जो बुक है ये याद रख लेना चलो अब हम आते हैं इसकी टर्म पे अब जो जराद जेनट है ये भी एक नरेटोलॉजी से ही एसोसिएटेड है ऑबवियसली तो नरेटोलॉजी में ये क्या करेगा कि नरेशन में हमारा एक ऑर्डर होना चाहिए ठीक है तो इसने एक दो तीन चार पांच चीजें हमें बताइए कि जो कि नरेशन में होनी चाहिए तो पहली है पहला है ऑर्डर दूसरा है फ्रीक्वेंसी तीसरा है ड्यूरेशन चौथा है आपका वॉयस और पांचवा है मूड बस आपने इसके नेम याद रख लेने सीक्वेंस में या फिर ऐसे भी याद रहते तो भी ठीक है क्योंकि हो सकता है कहीं क्वेश्चन आ जाए कि हाँ इनमें से कौन सा कंसेप्ट जो है कौन सी चीजें जो है हमारा एसोसिएट करती है जेरार जेनेट से तो ये आपने याद रख लेना है फिर आता है इसका पैराटेक्स्ट ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा और हाइपोटेक्स्ट भी मैं आपको समझाऊंगा ठीक है अब पैराटेक्स्ट क्या है एक ऐसा टेक्स्ट और अ मटीरियल विच इज एसोसिएटेड विद अ फुल टेक्स्ट एक टेक्स्ट है या फिर कोई नॉवल है वो कंटेंट है उसका जो भी वो अपने आप में फुल है लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल हमारी जो हटके होती है वो है ना या फिर हमारी एक्नोलेजमेंट होती है ठीक है या फिर हमारा प्रीफेस होता है ठीक है तो ये सारी वो चीजें होती है जो मेन टेक्स्ट से मेन टेक्स्ट से अलग होती है ठीक है मेन टेक्स्ट अलग है ठीक है और लास्ट में हमारा कुछ और है में कुछ और है तो ये जो इस मेन टेक्स्ट के साथ जो प्लस होती है चीजें उसे हम पैरा टेक्स्ट कहते हैं ठीक है थीके? समझ गए आप लोग जो भी इंट्रोडक्शन प्रीफेस या फिर कुछ भी उसमें जोड़ा जाता है मेन टेक्स्ट में उसे पैरा टेक्स्ट कहते हैं ठीक है थीके? अब हाइपो टेक्स्ट क्या है हाइपो टेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ अ बुक ठीक है जैसे कि जेम्स जॉयस का जो यूलिसिस है उसका सोर्स क्या है उसका सोर्स है ओडीसी होमर की ओडिसी है ना तो वो जो ओडिसी है वो एक हाइपोटेक्सट है और यहां पे एक चीज में और ऐड करना चाहूंगा हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट होता है आपका करंट टेक्स्ट ठीक है जैसे कि मैंने यूलिसिस का एग्जांपल दिया तो यूलिसिस होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ओडिसी होगा उसका सोर्स जिसे हम कहेंगे हाइपो टेक्स्ट ठीक है और पैरा टेक्स्ट तो मैंने बता ही दिया है कि जो मेन टेक्स्ट में कुछ हम ऐड करते हैं इंट्रोडक्शन प्रीफेस या या फिर कुछ भी हम ऐड करते हैं तो उसे हम पैरा टेक्स्ट कहते हैं और हाइपो टेक्स्ट हो गया सोर्स हाइपर टेक्स्ट हो गया जिस चीज का कोई सोर्स है जिस बुक का सोर्स हाइपो टेक्स्ट है वो जो बुक है करंट में उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहेंगे ठीक है तो ये जो टर्म्स है ये है जेराड जेनेट की याद रखना बस ये आप टर्म्स भी आपने याद रख ली ना तो भी फिफ्टी परसेंट काम हो गया आपका ठीक है सिर्फ टर्म्स याद रख के नाम याद रख लिए। चलो जी अब हम अगले बंदे की बात करेंगे अल्रेडास जूलियन ग्रिमस जिसे हम ए जे ग्रिमस ए जे ग्रिमस भी कहते हैं ठीक है एजे ग्रिमस शॉर्ट में ये भी एक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स था मतलब स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट था स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स से ये एसोसिएटेड है ठीक है ऐसे लिंग्विस्ट जो स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं ठीक है कि है, है? तो लैंग्वेज में फ्रेंच लेकिन बड़ा नाम है ना इसके वर्क याद रख लेना दो मैन डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स इसका ये याद रख लेना इतना मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही दू ठीक है अब हम इसकी टर्म्स की बात करेंगे तो ये आइसोटोपी एंड एक्टेंशियल मोड मॉडल ये आपने याद जरूर रखना है सिर्फ नेम भी याद रहेगा ना तो भी काफी हो जाएगा लेकिन फिर भी इसे समझना हमारा फर्ज है ठीक है तो मैं तो आपको समझा के जाऊंगा भाई मैं तो मानूंगा नहीं तो इन अ स्टोरी वी डिटेक्ट एन आइसोटोपी व्हेन देयर इज अटेशन रेपिटेशन जब किसी स्टोरी में रिपीटेशन होती है किसी बेसिक मीनिंग की किसी बेसिक मीनिंग ट्रेट की कोई क्वालिटी जो बेसिक मीनिंग की कोई क्वालिटी है उसकी जब रिपिटेशन होती है एक स्टोरी में तो उसे आइसोटोपी कहते हैं और इस बेसिक मीनिंग को सीम कहते हैं ठीक है अब जो ये रिपीटेशन है एस्टेब्लिशिंग सम लेवल ऑफ फेमुलरिटी विद इन द स्टोरी ये इस रेपिटेशन से थोड़ा सा स्टोरी में हमारे फेमुलरिटी एस्टेब्लिश हो जाती है हम फेमुलियर हो जाते हैं कि ये इस बुक का बेसिक मीनिंग है अब इससे क्या होता है कि रीडिंग और इंटरप्रिटेशन के लिए हमें आसानी हो जाती है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ठीक है मतलब कि कोहरेसी आ जाती है उसमें लॉजिकल हो जाती है चीज एक हो जाती है है ना यूनाइटेड हो जाती है एन एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग एन आइसोटोपी देखो एग्जाम्पल भी दिया है आई ड्रिंक सम वॉटर द टू वर्ड्स ड्रिंक एंड वॉटर ये आपस में एसोसिएटेड है ड्रिंक क्या होता है कोई पीने वाली चीज होती है और वॉटर होता ही पीने वाला है ठीक है ये जो है ये सेम सीम शेयर करते हैं ठीक है रेफरेंस टू तो लिक्विड क्योंकि वाटर भी लिक्विड है और ड्रिंक भी हम लिक्विड को ही करते हैं ठीक है तो ये शेयर कर रहे हैं मीनिंग को बेसिक मीनिंग को एंड दिस गिव्स होमोजेनिटी टू दि सेंटेंस होमोजिनिटी आ जाती है सेंटेंस में तो जब ऐसी चीजें रिपीट होती है किसी स्टोरी में तो उसे हम आइसोटोपी कहते हैं ठीक है और ये टर्म किसने दी है एजे ग्रीमस ने फिर से देख लो इसका नाम एक बार ठीक है ताकि याद रहे एक्टेंटियल मॉडल एक्टेंट जो है इसका एक्टेंट जहां भी ऑप्शन में एक्टेंट आए ना तो समझ लेना कि एज एग्रीमेंट्स की ही बात हो रही है ठीक है अब यूजीसी नेट ने लेवल बहुत बढ़ा दिया भाई और उनकी बहनों बहुत बढ़ा दिया है लेवल ठीक है तो काफी डीप पूछ लेते हैं थ्योरी में तो काफी घुस घुस के पूछ रहे हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और साथ में ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ठीक है बैटरी भी लोगोगे यार मेरी तो चलो फटाफट फड़ से खत्म करता हूं इसको ठीक है तो एक्टेंशियल मॉडल क्या है इन इनस्ट्रक्चरल सीमेंटिक्स दशियल मॉडल ऑल्सो कॉल द एक्टेंशियल स्कीमा इज अ टूल ये एक टूल है किस चीज का जिसे यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए दी एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ स्टोरी कोई भी एक्शन है जो किसी स्टोरी में आ रहा है उसे एनालाइज करने के लिए जो टूल यूज होता है उसे एक, एक्टेंशियल मॉडल कहा गया है या फिर एक्टेंशियल नेरेटिव स्कीमा कहा गया है ठीक है वेदर वो रियल हो या फिक्शनल स्टोरी हो कुछ भी हो 1966 में आया था ये इसी ने बंदे ने बंदे किया है एलग द मॉडल कंसीडर्स एन एक्शन अब ये जो मॉडल है इसमें एक्शन है जो कि सिक्स में डिवाइड किया गया ये याद रख लेना ठीक है सिक्स फेसेट में याद कर दिया गया है जिसे एक्टेंट कहा गया है ठीक है तो ये याद रख लेना एजे ग्रीमस का है ठीक है चलो लास्ट स्लाइड जो हमारी है वो है ग्रीमस स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रीमस स्क्वायर या फिर अगर आप मुझे दो मिनट देते हो दो मिनट से भी कम समय देते हो तो मैं आ, मैं बस लैपटॉप को चार्जिंग में लगा लू मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त देना ठीक है कहीं ऐसा ना हो बीच में ही बंद हो जाए उसके लिए तब तक आप भी कुछ कर लो भाई ये तो एक मिनट भी नहीं लगा ये तो एक मिनट भी नहीं लगा भाई बहुत ही थोड़ा समय लगा तो मैं अभी उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ ठीक हो हुँ? चलो कंटिन्यू करते हैं लास्ट स्लाइड है वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि इतना लंबा लेक्चर बना के साला बीच में ही बंद हो जाए तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी ना वैसे ही ये सब कुछ तैयार करने में मुझे दो तीन घंटे का समय लगा है <laughs> मत पूछो भाई कितना कष्ट करना पड़ता है जिंदगी में नाम कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल है भाई इतना आसान नहीं है जिंदगी पर व्यस्त रहो मस्त रहो चलो जी ग्रीमस स्क्वायर की बात करें तो दि स्क्वायर देखो ये स्क्वायर ऑफ अप अपोजिशन हमने पेपर वन में पढ़ा है ठीक है आपने भी पढ़ा होगा ठीक है स्क्वायर ऑफ अप अपोजिशन ये क्या है हमारा कॉन्ट्राडिक्ट्री होता है और ये हमारा कॉन्ट्ररी होता है ठीक है और ये तीसरी चीज पता नहीं इन्होंने इंप्लीकेशन क्या दिया है खैर हमने इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है हमें सिंपल सा ये कंसेप्ट समझना है कि ग्रीमस स्क्वायर है क्या चीज द दिम्योटिक स्क्वायर ठीक है स्क्वायर स्क्वायर को Semiotic Square भी कहा जाता है इज अ टूल ये भी एक टूल है यूज इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस में यूज किया जाता है किस लिए यूज किया जाता है रिलेशनशिप दिखाने के लिए किसके बीच में रिलेशनशिप सिम्योटिक साइंस के बीच में ठीक है अब ये सिम्योटिक्स होता क्या है वैसे सिम्योटिक्स इज दी स्टडी ऑफ साइंस स्टडी ऑफ साइंस जब साइंस की जो स्टडी होती है उसके जो प्रोसेस होता है साइन का प्रोसेस होता है कि कैसे साइन प्रोसेस हो रहा है ठीक है कैसे वो मीनिंग क्रिएट कर रहा है उसकी स्टडी को सीम्योटिक्स कहते हैं तो सिम्योटिक्स साइंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको एनालाइज करने के लिए जो टूल है वो सीम्योटिक्स स्क्वायर है और इसको कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है अपोजिशन से देखो आप मैन अगर मैं बताना चाहूंगा कि मर्द कैसा होता है तो मैं पहले बताऊंगा ना औरत कैसी होती है तभी डिफरेंस पता लगेगा ना आपको कि मर्द कैसा होता है है ना तो जब मैं कोई चीज अपोजिट की आपके सामने खड़ी कर दूंगा तभी आप उसको समझ पाओगे कंट्रास्ट में जैसे कि फेमिनिन मेस्कुलिन है ब्यूटीफुल अगली है रेलिमेंट ऑन्टोलॉजी ये छोड़ो है ना इतना देप, देप मत जाओ. जो मैंने आपको समझाया इतना समझोगी तो सिमोटिक स्क्वायर डिराइड फ्रॉम देखो ये एरिस्टोटल से आया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एरिस्टोटल से आया सिलोजिज्म जो है ना वो एरिस्टोटल से आया पेपर वन में हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन अच्छे से पढ़ लेना भाई अरिस्टोटल का है वॉज बाय ठीक है डेल्प किया एजे ग्रीमस ने अ अलिथ्यूनियन मुझे नहीं पता ये कंट्री है क्या है लिथ्यूनिया अलग से कंट्री है या क्या है लेकिन ये लिथ्यूनियन फ्रेंच लिंग्विस्ट है ठीक है एंड सिमिटेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है का है क्या है वो कंसिडर दी स्क्वायर टू बी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग ये ये कहता है है कि जो स्क्वायर बहुत ही एलिमेंट्री मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है basic है बेसिक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर है बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है मीनिंग का तो अगर हमें मीनिंग समझना है तो स्क्वायर ऑफ ये जो सिम्योटिक स्क्वायर है या फिर जिसे ग्रीम स्क्वायर भी कहते हैं ये हमारे लिए बहुत जरूरी है किसी के अपोजिशन में किसी के अपोजिट दो चीजों को अपोजिट रख के ही हम एक किसी एक का मीनिंग समझ सकते हैं इसका ये मानना था ठीक है तो ग्रीमस फर्स्ट प्रेजेंटेड द स्क्र इन सीमेंटिक स्ट्रक्चरल ये मैंने कहा था कि ये बुक आपको बहुत जरूरी याद रखनी है तो ये जो इसका कंसेप्ट है ये इसी बुक में आया है स्ट्रक्चरल सीमेंटिक्स एंड अटेम मेथड जो कि मैंने आपको ये वापिस क्यों नहीं जा रहा है अच्छा मैं आपको ना ये बुक बताना भूल गया यार सॉरी इस बुक का नाम याद रख लेना है ये जो स्ट्रक्चरल सीमेंटिक्स है ना ये वाली बुक स्ट्रक्चरल सीमेंटिक्स एन मेथड विद ईयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इसमें ग्रीमस स्क्वायर हमारा आया है तो ग्रीमस की आपने ये बुक जरूर याद रखनी है ठीक है तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई बहुत मेहनत लगी पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी और मुझे पता है आपको भी बहुत मेहनत लग रही होगी इसे समझने में लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से समझा पाऊं आपको हर एक चीज है ना फिर भी कुछ दिन बाद वीडियो दोबारा देख लेना क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपको याद रहेगा मैं खुद अपने लेक्चर्स भूल जाता हूं दस पंद्रह दिन बाद कि मैंने क्या पढ़ाया था ठीक तो हम सब लोग ह्यूमंस हैं कुछ नहीं है सभी लोग भूलते हैं भगवान कोई नहीं है कंप्यूटर कोई नहीं है ठीक है सब लोग ह्यूमस है रिविजन बहुत जरूरी है तभी हमें कोई चीज दिमाग में रह सकती है है ना चलो जी ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने पेशेंस के लिए आपने मुझे देखा और बीच में मुझे लैपटॉप चार्ज करने के लिए भी टाइम दिया <laughs> चलो ठीक है आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आने वाले समय में मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं जो मैं पढ़ा रहा हूँ लिटरेरी थेरी मैं काम कर रहा हूं बहुत जल्दी मिलेंगे ठीक है तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है ओके बाय नमस्कार